कल उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और तब भी अपने परफॉर्मेंस में जान लगाता है कि जिसको वो दिखा रहा है उसके दिल तक पहुंच जाए। इसीलिए कहते हैं कि एक्टर इस दुनिया में आखिरी बार पैदा होता है, उसके बाद दोबारा उसको भगवान यहाँ आने नहीं देते, उसको अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो दिल का इतना प्यारा होता है। अब दिल का इतना प्यारा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं होता कि हम क्या करें, हम क्योंकि हम जानते नहीं कुछ, हमें तो जो बताया गया हम सीखे, वही जो हमें सिखाया गया उसी के साथ हम चौड़े हुए घूम फिर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं कि इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है, हमें पता नहीं कि हम बिस्तर से सो के उठते हैं तो नीचे कौन सा डस्ट हमारे पैरों को लगेगा, हमें एक पत्थर के बारे में पता नहीं कि पत्थर कौन क्या है, कुछ हमें पता नहीं, हमें पता नहीं कि हमारी मम्मी किचन में खाना बना रही क्या सोच रही है, हमें पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, हम तो बस हम अंदाजा लगा रहे हर वक्त। अपनी कहानी को परफॉर्म करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पहली बात क्या, आपको अपना बैक शो नहीं करना है, दूसरी बात क्या, आपको स्पष्ट बोलना है जो आप बोलना चाहते हैं, सर वो पैसा नहीं दिया तो उसको मार दिया जाता, वो आपसे मछली नहीं लेना है, क्यों टाइम बर्बाद करो, जाओ ना यार, पब्लिक फिगर ना, तो ग्रो करना है तो आपको डायरेक्शन चाहिए, किसी को एज अ सिंगर ग्रो करना है उसको डायरेक्शन चाहिए। आपकी जो बुराई है वो आपके दुख का कारण नहीं है, सुनने से तो ऐसा लगा, मैं इतना धीरे से इनको बोलूंगा कि केवल इनको सुनाई दे, और मैं इतना स्पष्ट बोलूंगा इनको सुनाई दे दे, हाथों को दिक्कत हो जाती है, और क्या कहता हूं क्या, फिर पैरों को दिक्कत हो जाती है ना, फिर आपकी आवाज ज्यादा हो जाएगी, फिर तो नहीं करना आपको कर सके, और जब माइंड को खाना और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो माइंड पता है क्या करता है, माइंड अपना ही सेल मार्क खाने लग जाता है, आपको पता है। इन दोनों का कन्वर्सेशन बहुत अजीब लग रहा था, मतलब सर आप कहीं ऐसे रैंडमली जाते तो आप सीधा ये जानबूझ के हमने बोला गया।